नमस्कार दोस्तों, कई दिनों बाद आज आपके साथ रूबरू हो रहा हूँ। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की काफ़ी सारी डेट शीट्स रिलीज हो चुकी है। कुछ एग्ज़ाम्स के डेट शीट के अंदर कुछ चेंजेस भी दिखाए गए हैं, जिनकी जानकारी हम अपने साइट पर जाकर ही लेंगे। एग्ज़ाम्स की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम्स जो है अब बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये कोई दोहराया नहीं है कि कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन से। मैं लगातार एक महीने से ज़्यादा आपको यही बताया था कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो पूरी तरीके से ऑफलाइन मोड से होंगे। किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, कैसे आंसर शीट लेंगे, सारी जानकारी मैंने अपने चैनल में आप लोगों तक पहुँचाई, जिसको आपने सराहा भी और बहुत सारी आपने उनको देखा भी। यही बहुत बड़ी मेरे लिए धन्यवाद है आपका, और आने वाले समय के अंदर भी आपको इसी तरीके से अवगत कराता रहेगा चैनल। रिड्यूस सिलेबस की बातचीत जरूर चलकर आई थी सामने, लेकिन आने वाले समय के अंदर कोई रिड्यूस सिलेबस की कोई बातचीत नहीं करी। जैसे को तैसे करते हुए एग्ज़ाम्स के पहले सिलेबस को पूरा करा दिया गया, स्पीड अप करके, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से, चाहे वो सिलेबस को बताकर सिलेबस को पूरा करा दिया गया। और ऐसे में बच्चे जो है परेशान हैं, सिलेबस पूरा नहीं। अब एग्ज़ाम्स की जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आप लोग कमेंट्स करके मुझे बताएं कि भाई आपके एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं, तो उसके ऊपर हम स्पेशल वीडियोस आपके साथ बनाएंगे, जिससे कि बच्चों को पता लगे कि क्या हो रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में। तो एग्ज़ाम्स के अंदर कैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, कैसे आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, इसके बारे में ज़रूर मुझे बताएं, जिसके अपडेट्स जो है मैं आपको अगले वीडियोज़ में आपके साथ बना पाऊँ। रिड्यूस सिलेबस की बात अगर हम करें तो रिड्यूस सिलेबस तो होना चाहिए था, लेकिन किसी ने भी यूनिवर्सिटी प्रशासन, इवन जितने भी स्टूडेंट्स थे, उन्होंने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने भी संघर्ष नहीं किया, ना ही कोई प्रोटेस्ट लेवल पे किया गया। जैसे कि पिछले सेमेस्टर में आपने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यूनियनों ने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, और दो या तीन प्रोटेस्ट के बाद ही तुरंत उनको राहत मिल गई थी और उनको एग्ज़ाम्स जो है ऑनलाइन मोड से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने सबसे पहले ऐलान किया। जबकि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें, उन्होंने तो लास्ट मोमेंट में अपने पत्ते खोले, लास्ट मोमेंट तक हम संघर्ष करते रहे, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने बच्चों को राहत देते हुए अपने एग्ज़ाम्स जो हैं ऑनलाइन मोड से लिए। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि कोविड की सिचुएशंस को देखते हुए ओपन कर दिया गया सब कुछ, और अगर केसेस आ भी रहे हैं तो वो कंट्रोलेबल है। इसको देखते हुए, मद्देनजर देखते हुए, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपने पेपर जो हैं ऑफलाइन मोड से ही कराए। सिलेबस रिड्यूस की बात अगर हम करें तो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई है। तो प्यारे बच्चों, अब यही है कि जितना भी आप सिलेबस कर रहे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर्स को जरूर दोहराएं, उनको डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अच्छी तरह करें। इसी तरीके से चैनल के साथ जुड़े रहें, अपडेट पाते रहें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभरात्रि। अन्य वीडियोज़ को जरूर अपने सर्कल में शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। एडमिशन्स की वीडियोस अब आपके साथ लगातार बनाया जाएगी, और आपके एग्जाम्स की भी अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि।